हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। आज पेश कर रहा हूँ आपके सामने जनवरी 2018 का वीकली फोरकास्ट। ये फोरकास्ट 8th जनवरी 2018 से लेकर 14th जनवरी 2018 तक आप पे अप्लाई होता है। मेरी सारी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस साइन पे बेस्ड हैं, ना कि मून साइन पे और ना ही जॉडिक साइन पे। लेट्स स्टार्ट फॉर द सेजिटेरियस असेंडेंस। फॉर सेजिटेरियस असेंडेंस फ्रॉम 8th जनवरी 2018 टू 14th जनवरी 2018, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर वीनस, सन, मरकरी आपके जो असेंडेंस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न के साथ, और उधर से आपके असेंडेंस का लॉर्ड मार्स के साथ आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं पर आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी, एक नई आप बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, आप नई लाइफ फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर किसी ने कुछ एनर्जी कूट कूट के भर दी है, क्योंकि प्लैनेट्स का जो कम्बिनेशन, कुछ फ्रेंडली प्लैनेट्स जैसे सैटर्न, मरकरी और वीनस आपके असेंडेंस में हैं, तो ये आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ऑरा पॉजिटिव कर रहे हैं आपका। और वैसे भी आपके असेंडेंस लॉर्ड का और 11th लॉर्ड का म्यूचुअल चेंज हो चुका है ट्रांजिट में। अब बात करेंगे आपके बिजनेस और फाइनेंस की। फिर से रिपीट, यही प्लैनेट्स जो कम्बिनेशन ट्रांजिट में है, 11th लॉर्ड आपका असेंडेंस में, असेंडेंस लॉर्ड आपका 11th में, जुपिटर और वीनस का ये कम्बिनेशन, म्यूचुअल चेंज ऑफ टू प्लैनेट्स आपके लिए बहुत रिवार्डिंग है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, सोशल गैदरिंग होने वाली है, आपको कहीं ना कहीं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी हेल्प मिलने वाली है, कुछ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। ये वीक आप जितने एफर्ट्स डालोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपने एफर्ट 100 के डाले, आपको 200 के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने विजन को क्लियर करके चलें, अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूशन में डालें, क्योंकि ये पीरियड बहुत ही रिवार्डिंग है। म्यूचुअल चेंज आपके 11th और असेंडेंस का, ये आपके लिए एक तरह का राजयोग बन रहा है। अब बात करेंगे फैमिली और फ्रेंड्स को। फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर अगर ये वीक देखें तो बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी गेट टुगेदर मुझे बनती हुई दिखती है, फ्रेंडली टाई अप्स आपके बहुत इंप्रूव होते हुए दिखते हैं, नए दोस्त बनते हुए दिखते हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव चल रही हैं, जुपिटर 11th हाउस में चल रहा है, सोशल गैदरिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है। जितना अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना अपना माथा उनके पाँव में रखेंगे, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स लेंगे। इस समय में आपके फादर आपके लिए ब्रह्म अस्त्र हैं, एक बोल सकते हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ कि साक्षात विष्णु भगवान आपके घर में हैं, आपके पेरेंट्स के रूप में, स्पेशली आपके फादर के रूप में। अब जितना ज़्यादा अपने फादर की बात को सुनेंगे, समझेंगे, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलेंगे, ये ईयर और ये वीक और ये मंथ आपके लिए लाजवाब रहेगा। सेजिटेरियस, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ज्ञान आपके अंदर, नॉलेज फुल ऑफ नॉलेज है सेजिटेरियस असेंडेंस। कमी है एग्जीक्यूशन की, कमी है कन्फ्यूजन की। तो गाइज, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें, विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स लें और अपने मिशन पे निकलें, आप बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करके वापस लौटेंगे। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।